Hey guys this is naman mittal welcoming you all to the news nuts and initiative of prep

इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन विद रिस्पेक्ट टू दी एलोकेशन टू दी हेल्थ सेक्टर जिसमें एलोकेशन को एनहांस करने की बात करी है टू नियर अबाउट फाइव परसेंट ऑफ दीडीपी एज ऑफ नाउ जो इंडिया काबाउट वन पॉइंट वन परसेंट इसको एनहांस करने की जरूरत है टू नियर अबाउट फाइव परसेंट अकॉर्डिंग टू दी हेल्थ एक्सपर्ट देन एक्सटेंसिव सर्विलेंस नीड्स टू बी कंडक्टेड स्पेशली टू आईडेंटिफाई दी एस ए आर आई एंड दी आई एल आई पेशेंट और फ्री टेस्टिंग को सपोर्ट देना चाहिए इन

क्टेड ऑन दट मैप बाय कॉलिंग इट आर्टिफिशियल एंड अनएक्सेप्टेबल टू इट तो वो मैप अब नेपाल की पार्लियामेंट में है टू बी अकॉर्डेड कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थ्रू दस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी प्रोवाइड कर दी जाती है टू द न्यू मैप ऑफ नेपाल देन इट वुड फर्दर रिस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ मेन्यूवरिंग नेगोसिएशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल ऑन द काला पानी डिस्प्यूट बिकॉज नेपाल देन कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड हो जाएगा एज इट विल फॉर्मली इंस्टिट्यूशनलाइज द न्यू मैप रिलीज बाय इट सो टू नो मोर अबाउट द काला पानी डिस्प्यूट प्लीज क्लिक ऑन द आई बटन अबाउ एंड ऑल्सो यू कैन चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो Now, let us move on to our next article SpaceX spacecraft successfully docks with ISS so SpaceX that is a private space company of the US has successfully launched a spacecraft named as Dragon to the International Space Station so with this the new era of commercialization of the space industry has begun this article ki, further details we will discuss along with the Indian Express article now let us move on to the next article it's time for a यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोग्राम इन इंडिया

UBI did not get push in India

इनविजिबल सिटीजन ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बिकॉज इसमें माइग्रेंट्स रिलेड काफी इमोटेंट ट्रेंड्स एंड डेटा है एंड ऑल्सो इट कंसिस्ट ऑफ फ्यू ऑफ इफ कैन डेफिनेटली द्रोवाइज इंटर स्टेट माइग्रेंट्स वर्कमेन एक्ट ऑफ नाइन पहले डेटा और ट्रेंड्स देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी माइग्रेंट्स इन इंडिया सो अकॉर्डिंग टू दी सेंस ऑफ इंडिया टू थाउजेंड इलेवन माइग्रेंट्स इन इंडिया आर नियर अबाउट थर्टी सेवन परसेंट ऑफ इट्स पॉपुलेशन मतलब नियर अबाउट फोर फिफ्टी मिलियन इंडियंस माइग्रेंट है हमारे देश में एंड थर्टी परसेंट ऑफ देम

come back once the job is done. now let us see some of the data with respect to the caste and the migrants. so scheduled tribes are more likely to migrate than any other caste. they are followed by the scheduled caste which are again followed by the obcs. now the interesting fact out here is that according to the unesco study, just subsizes the migrants and India they are in the surat city. we are not talking in terms of number out here, but in the

ensure to the migrant workers then the ruling parties will definitely start taking them seriously or automatically migrant workers ki conditions present situation se better ho jayengi then there are many other labor laws which need to be synergized with the interstate migrant workmen act to तो so already codification chal raha hai labor laws ka at the central level jahan pe 44 labor laws ko char codes mein codify kiya ja raha hai

तो आप एक बहुत केयरफुल रीडिंग दीजिएगा बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंटायर न्यूजपेपर टुडे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ साइक्लोन ब्रोइंग इन दी अरेबियन सी सो अरेबियन सी में साइक्लोन का डेवलपमेंट ऑब्जर्व किया गया है कल देखा था एंड ऑल्सो वी सो दाउ साइक्लोन एक्सपीडाइड इन इंडिया तो इस आर्टिकल को हम फिर से आज डिस्कस नहीं करेंगे एक्सेप्ट फॉर दी वन फैक्ट मेन्शन आउटर दैट इफ द साइक्लोन स्टेस क्लोज टू द कोस्ट देन इट विल हेल्प मॉन्सून टू कम फर्दर वेयर एज इफ दाइक्लोन टर्न टूवर्ड्स दी ओमान और टूवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन देन देर आर हाई चांस कि वो अपने साथ मॉइस्चर भी कैरी करके ले जाएगा और जो मॉनसून है वो डिलेड होंगे और लेस इफेक्टिव भी साथ में हो सकते हैं सो सेम थिंग वॉज ऑब्सर्व लास्ट ईयर वेन द साइक्लोन वायु हिट अरेबियन कोस्ट ऑफ इंडिया जिसके कारण मॉनसून स्टॉल हो गया था और उसने केरल में एंट्री ली थी बाय एट ऑफ जून सो टू गेन फर्दर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस साइक्लोन आप कल वाला आर्टिकल देख सकते हैं द लिंक ऑफ विच अगेन इज मेन्शन इन दी आई बटन अब एंड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ट्रम्प पोस्टो जी सेवन सबमिट सिक्स टू एक्सपैंड लिस्ट ऑफ इन्वाइटीज यूएसए में जी सेवन की सबमिट होने वाली थी सितंबर में इस साल जो कि अब पोस्टपोन कर दी गई है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए एज ही वांट्स टू एक्सपैंड जी सेवन टू फर्दर इंक्लूड कंट्रीज लाइक इंडिया रशिया साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया तो ट्रम्प का ये मानना है कि जी सेवन प्रेजेंट कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड की सिचुएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता है एंड इट इज हाई टाइम की उसका फर्दर एक्सपेंशन किया जाए बाय इंक्लूडिंग दी अदर कंट्रीज ऑफ ग्लोबल सिग्निफिकेंस इन जनरल एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेन्स इन पर्टिकुलर तो ट्रंप जी सेवन को एक्सपैंड करने की काफी टाइम से बात कर रहे हैं एंड ही वॉन्टेड रशिया टू बी अगेन पार्ट ऑफ द जी सेवन बट दिस टाइम ही द लिस्ट ऑफ फोर कंट्रीज विच नीड टू बी इंक्लूडेड इन टू दी जी सेवन जी सेवन की यहाँ पे थोड़ी सी हम ब्रीफिंग ले लेते हैं जी सेवन इज बेसिकली ए ग्रुप ऑफ सेवन कंट्रीज विच इंक्लूड यूएस यूके फ्रांस जर्मनी इटली जापान एंड कनाडा। तो ये सात कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुपिंग फॉर्म करी थी 1975 में, जिसको G7 कहा गया था लेटर ऑन 1997 में इसमें रशिया का इंक्लूजन किया गया था एंड देन इट वाज रीनेम्ड एज G8। सो so, रशिया G8 कंट्रीज का पार्ट रहा टिल 2014 व्हेन इट वाज एक्सपेल्ड बाय रेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द जी बिकॉज ऑफ इट्स एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया पेनसुला तो 2014 के बाद जी एट अगेन जी सेवन में कन्वर्ट हो गया जी सेवन के हम कुछ लिमिटेशन यहाँ पे देख लेते हैं द फर्स्ट इज दट इट इज एन इनफॉर्मल ग्रुपिंग ऑफ फ्यू कंट्रीज विच वर ऑफ दिग्निफिकेस बैक देन इन नाइनटीन सेवेंटीज बट मेनी ऑफ दो लॉस्ट शाइन विद द पैसेज ऑफ द टाइम तो G7 ग्रुपिंग को अब G10 और G11 ग्रुपिंग बनाने का वक्त आ गया है बिकॉज G7 ग्रुपिंग का अगर हम ग्लोबल रिलेवेंस देखने की कोशिश करें इट इज नियर अबाउट 40% ऑफ दी वर्ल्ड जी डी पी वेर एज जी ट्वेंटी जो ग्रुपिंग है विच वॉज फॉर्मड इन दी नाइन 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 टू डिस्कस दस ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस इट हैजर अबाउट एट्टी परसेंट ऑफ दर्ल्ड जी डी पी रिफ्लेक्शन इन इट तो जी सेवन की लिमिटेशन ये है बेसिकली की वो एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है नंबर वन वो अपना रिलेवेंस लूज कर चुका है नंबर टू देंड इट इज नॉन बाइंडिंग इन नेचर इट हैज नो फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन एंड ऑल्सो इट डज नॉट ओन

रेयर स्कॉर्पियन फिश फाउंड इन गल्फ ऑफ मन्नार तो प्रियम्स परसपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पे दैट गल्फ ऑफ मन्नार में सेतु कराई कोस्ट के पास एक रेयर स्कॉर्पियन फिश मिली है एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दिस फिश हैज बीन फाउंड इन द इंडियन वॉटर्स सो दिस फिश इज बेसिकली कॉल्ड एज स्कॉर्पियन फिश बिकॉज इट हैज स्पाइंस जो कि न्यूरोटॉक्सिक वेनम कंटेन करते हैं एंड दिस फिश हैज एबिलिटी टू चेंज इट्स कलर तो ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है की और ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आपको इस फिश की लोकेशन का आइडिया होना चाहिए दैट इट इज़ फाउंड इन गल्फ ऑफ मन्नार एंड नाउ वी शेल सी टू आर्टिकल्स फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस अ न्यू एरा इन स्पेस एक्सप्लोरेशन तो हमने फ्रंट पेज पे हिंदू के देखा था कि स्पेस एक्स ने ड्रैगन लॉन्च करा है स्पेस क्राफ्ट टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और द आईएसएस एंड दिस इज फॉर फर्स्ट टाइम दैट अ प्राइवेट स्पेस कंपनी हैज लॉन्च्ड इट्स ओन शिप देयर बाय हेराल्डिंग द न्यू एरा ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ द स्पेस इंडस्ट्री तो कुछ फैक्चुअल चीजें हैं यहां पे जो आपको पता होनी चाहिए लाइक ड्रैगन स्पेसशिप का नाम था यूज बाई दाइन जो अगेन एक रॉकेट है SpaceX का ड्रैगन स्पेसशिप टू और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज दी वर्ल्ड स्पेस लेबोरेटरी विच इज सिचुएटेड एट नियर अबाउट फोर हंड्रेड किलोमीटर फ्रॉम दी अर्थ और नासा ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे टू एंड फ्रो बहुत सारी फ्लाइट ऑपरेट करी है सो नासा यूज टू ऑपरेट अ

That space sector go further liberalized. Kia hai by allowing the private players of the space industry to utilize the facilities of the ISRO, and also it has opened the outer space travel and planetary exploration for the private players to give boost to the private players operating in the space industry, which eventually will facilitate the private space launch vehicles in India. The space research and exploration now has become more collaborative enterprise, and this trend even holds true for the India.

Of the minorities in india so this article being the last article of the day guys we shall wrap up the daily news notes of the day please check out all the links mentioned in the description box below post your suggestions queries doubts in the comment section below keep learning guys thank you